तो यहाँ पे देखिए आप, उसका पूरी स्किन एकदम बेकार हो गई है। उसमें अगर कोई भी डॉग अगर काट लिया तो इन्फेक्शन काफी तेजी से फैलता है, इनको ठंड जो है बहुत ही ज्यादा लगती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पांडे जी ब्लॉग चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जो पग डॉग होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पग डॉग है इनकी केयर करने में क्या परेशानी आती है और इनके रखने के फायदे क्या है। फायदे तो गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस अगर इनको आप खिलाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, तो ये बस इसीलिए बने हैं कि आप इनको छोटे छोटे जो हैं ये डॉग, इनको बस आप खिलाने के लिए इसको रख सकते हैं अपने घर में। और इनकी केयर करने के लिए, अगर आपको डॉग की केयर करना अच्छा लगता है तो आप इस डॉग्स को ले सकते हैं। कितने प्यारे से होते हैं और थोड़े से फनी फनी इन लोग काम करते रहते हैं बीच बीच में, तो ये डॉग्स इतने क्यूट और फनी होते हैं कि ये आपके साथ हमेशा दिन भर अगर आप इनको खिलाते रहेंगे तो ये खेलते रहेंगे आपके साथ। बस आप इनको थोड़ी सी केयर करना पड़ता है ये। तो चलिए गाइस, इस जो पग डॉग होते हैं इनमें क्या क्या कमियां होती हैं वो मैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूं कि इनकी अगर स्किन इतनी वो होती है, सॉफ्ट होती है, कि अगर इसमें कुछ भी अगर आपका इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो उसको ठीक करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे अभी इसको एक डॉग ने काट लिया था, यहाँ पे जैक नहीं खेलते खेलते मैं इसको दांत लगा दिया था, तो वहाँ पे जो इसकी स्किन है, तो यहाँ पे देखिए आप, उसका पूरी स्किन एकदम बेकार हो गई है। तो ये गाइस इसमें देखने को मिलता है कि इसकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि उसमें अगर कोई भी डॉग अगर काट लिया तो इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैलता है और इनकी हीलिंग पावर काफ़ी कमज़ोर होती है। जैसे अगर इनके स्किन में कुछ भी घाव हो गया है तो उसको हील करने में इनको काफ़ी समय लग जाता है, धीरे धीरे हील होता है। अगर चोट के लिए अगर आप दवा नहीं करेंगे तो वो चोट जो है बाद में चल के एक उसके स्किन को ख़राब कर देगा, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी उसकी पूरी स्किन। गाइज अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये डॉग्स काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये जो डॉग्स है वो घर में छोटे छोटे बच्चों के लिए ही बना हुआ है और छोटे बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं ये सब जो डॉग्स हैं, काफ़ी फनी और खेलने के मूड में हमेशा रहते हैं। तो इनको आप जो है अपने अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो गाइज इसके चलिए हम तीसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज इसकी जो आँखें हैं उसमें इसको हमेशा कीचड़ बनते रहते हैं, तो उसको आपको प्रॉपर उसकी सफाई करनी पड़ती है डे बाय डे, नहीं तो उसके कीचड़ जो है उसकी आँखों में दिक्कत करते हैं। तो ये इसकी जो थोड़ी सी है वो इसके कॉन्स हैं। और गाइज अगर इसके खाने पीने की बात कर लें तो खाने पीने के मामले में ये डॉग्स काफ़ी बेहतर होते हैं। आप इनको घर के भी डाइट्स दे सकते हैं और वैसे पेडिग्री ये बहुत पसंद करते हैं और आप इसको एग भी दे सकते हैं। और गाइस ये खाने पीने के मामले में बहुत ही बेहतर होते हैं, इसीलिए इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही मेंटेन रहती है। थोड़ी सी भी अगर ये डाइट अच्छी लेते हैं तो इनकी हेल्थ जो है बन जाती है। और इनकी कमियों के बारे में जान ले तो दोस्तों इनको ठंड जो है बहुत ही ज़्यादा लगती है, इनको ठंड में काफ़ी केयर करनी पड़ती है। इनको आपको ऊपर से कुछ इसके कपड़े पहनाने पड़ेंगे ठंड में, नहीं तो बेचारे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि ठंड में आपको इसको प्रॉपर देना पड़ेगा। और ऊपर से इसको दूसरी बात कि जिस तरह से इसको ठंडी लगती है उसी तरह से गर्मी के मौसम में इसको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो ये जो डॉग्स हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो गाइस इसके लिए जो मीडियम है वो आपको टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, जैसे गर्मी में आपको कूलर लगा के रखना पड़ेगा और ठंड में ही इसको थोड़ा सा गर्म आपको गर्म जगह पर रखना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका डॉग्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से खुश रह सके। तो उसके लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। तो गाइज ये जो मेरा डॉग्स है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मेरा फेवरेट है। गाइज एक बार की बात है कि ये जो है छत पे बैठा हुआ था और मैं सीढ़ी से जा रहा था, तो ये ऊपर छत से नीचे नहीं उतर पा रहा था जब छोटा था, तो छत से ही ये छलांग लगा दिया था मुझको देख के। तो गाइज ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने उसको कैच कर लिया था अपने डॉग्स को, तो ये जो मेरा डॉग्स है वो बच गया था, तो इसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये डॉग्स मुझे इतना ज़्यादा मानता है, इतना ज़्यादा मानता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो पीछे 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 मेरे लगे रहता है हमेशा। तो ये डॉग्स जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो गाइस इसके पग के बारे में आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइए।